हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग संबलपुर में हैं। हम लोगों ने ट्रक खाली किया एंड 3 बजे सुबह में आज निकल गए थे हम लोग रायगढ़ से 3 बजे सुबह में निकलने का भाई कारण ये था क्योंकि सुबह में नो एंट्री का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम लोग सुबह में निकल गए थे 3 बजे। और अभी हम लोग संबलपुर में हैं। यहाँ से संबलपुर सिटी की दूरी है ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है संबलपुर जाने में एंड उसके बाद हम अंगूल में रुकेंगे। भाई यहाँ से अंगूल का रास्ता जो है बहुत ख़राब है, संबलपुर के बाद रास्ता पूरा का पूरा ख़राब है। देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को जाने में। जो आप टोल टैक्स देख रहे हो इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है भाई कि यहाँ पे आपको टोल ऑनलाइन पे करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फास्टैग से आप पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भाई मशीन नहीं है, यहाँ पे आपको कैश देना पड़ता है। और ये मैंने पहली बार देखा है, अभी जितना दिन मैं ट्रक पे हूँ उतना दिन में मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा टोल टैक्स यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, टोल टैक्स भर दिया है, 305 रुपया लगा हमारे ट्रक का। यहाँ से जो पर्ची मिलती है उसको आप लेके जाओगे, मैनेजर को देखो तो वो पैसा आपको वापस कर देता है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। अभी हम लोग संबलपुर सिटी से 2 किलोमीटर पीछे हैं और ये सामने आपको दिख रहा होगा वो रोड जो है वो संबलपुर सिटी को जाती है। और यहाँ पे भाई साहब एक चीज़ फेमस है, संबलेश्वरी देवी का मंदिर। आपको पता होगा संबलेश्वरी मंदिर जो कि 1600 में बनवाया गया था और ये प्राचीन काल का मंदिर है, ये पूरे संबलपुर में बहुत प्रचलित है। और हम लोग सोच रहे थे माँ संबलेश्वरी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, पर अभी तो टाइम नहीं है। पर नेक्स्ट टाइम अगर संबलपुर आते हैं तो माँ संबलेश्वरी देवी के दर्शन जरूर करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दर्शन जरूर करेंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग रुके थे बिहार और यूपी, एक होटल है यहाँ पे अंगूल से पहले, वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं एंड अभी हम लोग खाना बनाएंगे। हमारा जो अभी चावल है अभी ऑलमोस्ट होने वाला है, हम लोगों ने चावल रख दिया है और आज बनेगा चावल और दाल चोखा। फटाफट खाना बनाते हैं यहाँ से। ये है चावल, अभी चावल हो चुका है, देख लो यहाँ देख सकते हो आप। और यहाँ पर अभी मिर्चा है जो कट रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, दिखाते हैं आपको। अभी थोड़ा पानी बचा हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट में हो जाएगा हमारा चावल और इसके बाद बनेगा भाई साहब हमारा दाल। ट्रक के अंदर खाना बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अंदर ज़्यादा स्पेस है नहीं और बाहर अभी बारिश हो रही है, तो हम लोगों को अंदर ही खाना बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। Thank you.
अंगूर में बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। देखते हैं भाई आज कहाँ तक जा पाते हैं, आज नहीं जा पाएंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है। अभी हम अंगूर से पहले रुके हुए एंड अभी रात के 10 बज चुके हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है और अंगूर में बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। हमारी ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं अंगूर में। उन्होंने कॉल करके बोला कि बहुत जाम है, आप लोग मत आओ, तो इसीलिए हम लोग अंगूर से पहले सो गए थे। अब इस वीडियो में बस इतना ही एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।